देखो यार, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली कारें माइलेज भी कितना देती है, 15 से 20 का। कुछ कारें ऐसी भी है जिनका माइलेज आपको कम देखने को मिल जाएगा और कुछ कारें ऐसी भी है जो कि आपको लगभग 20 के ऊपर का माइलेज देने वाली है। अगर आपको 2022 में एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि 2022 में आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से वो कौन सी इलेक्ट्रिक कार जिसको चार्ज होने में सबसे कम टाइम लगता है, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा रेंज मिलता है, इसके अलावा जिसका टॉप स्पीड भी सबसे ज्यादा है। जो सबसे पहले कार आती है जो कि आप 2022 में कंसीडर कर सकते हैं वो है टाटा की टिगोर ईवी। टाटा कंपनी ने इसको 2021 में लॉन्च किया था। इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इंटीरियर में, हालांकि इसका एक्सटीरियर लुक थोड़ा सा अपडेट किया है, लेकिन टाटा कंपनी ने इसके अंदर जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंदर टाटा कंपनी ने 26 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप दिया हुआ है, जिसकी मदद से टाटा टिगोर ईवी 74 BHP की पावर आउटपुट और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। हालांकि ये पावर आउटपुट इसके मोटर के थ्रू जनरेट होती है, तो यहां पर आपको इस कार के अंदर अच्छी खासी पावर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप टाटा टिगोर ईवी को किसी DC चार्जर आउटलेट पर चार्ज करते हो, यानी चार्जिंग स्टेशन पर इसको चार्ज करते हो, तो इसकी बैटरी 0 से 80% चार्ज होगी सिर्फ 60 मिनट के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर इसकी 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी। वही अगर आप इसको घर पर चार्ज करते हो, यानी 15 एम्पियर के आउटलेट से इसको अगर आप चार्ज करोगे, तो इसकी 80% बैटरी 8.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम आपके सामने है। इसके अलावा टाटा टिगोर ईवी एक सिंगल चार्ज में 306 किलोमीटर तक की रेंज देती है, यानी 300 से भी ज्यादा किलोमीटर तक की रेंज आपको मिलने वाली है टाटा टिगोर ईवी के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको इसको इको मोड में चलाना होगा। इसके अंदर अलग अलग मोड आ जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा तेज चलाओगे तो डेफिनेटली इसकी जो रेंज है वो आपको थोड़ी सी कम मिलने वाली है। वही टिगोर ईवी का जो टॉप स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर का, यानी 80 किलोमीटर पर आवर पर इसका टॉप स्पीड लिमिट किया हुआ है। इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 11.99 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस, और टिगोर ईवी का टॉप मॉडल 13.14 लाख रुपीज तक चला जाता है। तो यहाँ पर टिगोर ईवी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है 2022 में, अगर आप एक अच्छी सीडान इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं। वही जो सेकेंड नंबर की ईवी कार आती है जो कि 2022 में आप कंसिडर कर सकते हैं वो है महिंद्रा की ई वेरिटो। इसको बहुत पहले लॉन्च किया गया था इंडिया में और इस कार को कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी उतने एडवांस लेवल के फीचर्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक ठाक फीचर्स इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। महिंद्रा कंपनी ने इस कार के अंदर 21.2 किलोवाट आवर की बैटरी का यूज किया हुआ है, जिसके मदद से महिंद्रा की ये इलेक्ट्रिक कार 41.5 BHP की पावर आउटपुट और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो पावर आउटपुट है आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको टाटा टिगोर ईवी के साथ कंपेयर करते हो। वही इस कार का टॉप स्पीड है 86 किलोमीटर पर आवर का, और डीसी चार्जर से ये कार 1.5 घंटे में फुल चार्ज होती है, और नॉर्मली इसको चार्ज होने में लगभग 11 घंटे से भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसकी जो रेंज है वो है लगभग 140 किलोमीटर तक की, यानी एक सिंगल चार्ज में महिंद्रा की ई वेरिटो 140 किलोमीटर तक चल जाती है। इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 12.96 लाख रुपीज से, और इसका टॉप मॉडल 13.22 लाख रुपीज तक चला जाता है। तो यहाँ पर टाटा टिगोर ईवी भी एक सिडान इलेक्ट्रिक कार है, इसके अलावा ई वेरिटो भी आपको एक सिडान इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाटा टिगोर ईवी, जिसके लिए आपको कीमत भी थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी, जिसकी रेंज आपको 300 किलोमीटर से भी ज्यादा मिलने वाली है। इसके अंदर फीचर्स भी अच्छे खासे प्रोवाइड किए हैं टाटा कंपनी ने। तो यहाँ पर टाटा टिगोर ईवी जीतती है ओवर महिंद्रा की ई वेरिटो। वही जो थर्ड नंबर की इलेक्ट्रिक कार आती है जो कि 2022 में आप कंसिडर कर सकते हैं वो है नेक्सॉन ईवी। नेक्सॉन ईवी मोस्ट सेलिंग कार है, यानी इसके सबसे ज्यादा सेल होते हैं पूरे इंडिया में, और इसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। नेक्सॉन ईवी के अंदर 30.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी मदद से नेक्सॉन ईवी 127 BHP की पावर आउटपुट और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाती है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट देखने को मिल जाएगी नेक्सॉन ईवी के अंदर। इसकी जो मोटर है वो अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती है। इसके अलावा डीसी चार्जर से अगर आप नेक्सॉन ईवी को चार्ज करोगे चार्जिंग स्टेशन पर, तो 1 घंटे में इसकी 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये भी लगभग 1 घंटे का टाइम लेती है 80% बैटरी को चार्ज करने में, जिस तरह से टिगोर ईवी टाइम लेती है। वही अगर आप इसको नॉर्मल आउटलेट पर चार्ज करोगे, यानी 15 एम्पियर वाले आउटलेट पर चार्ज करोगे, तो इसको चार्ज होने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है, यानी इसकी 80% बैटरी चार्ज हो जाएगी 8 घंटे में। तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम आपके सामने है। इसके अलावा नेक्सॉन ईवी एक सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर तक की रेंज देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं नेक्सॉन ईवी के जो कि क्लेम करते हैं कि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो कम इसीलिए है क्योंकि आप इसको
इसको रशली चलाओगे तो डेफिनेटली इसकी रेंज कम होने वाली है। अगर आप इसको नॉर्मल मोड में चलाओगे तो डेफिनेटली ये आपको अच्छी खासी रेंज देने वाली है। इसके अलावा नेक्सॉन ईवी की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 13.99 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्शन प्राइस, और नेक्सॉन ईवी का टॉप मॉडल 16.85 लाख रुपीज तक चला जाता है। और ये मोस्ट सेलिंग कार है इंडिया की, मतलब इलेक्ट्रिक कार जितनी भी आती है उनमें से नेक्सॉन ईवी सबसे ज्यादा बिकती है। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जो कि आप 2022 में कंसिडर कर सकते हैं वो है एमजी की ZS EV। हालांकि एमजी ZS EV दिखने में अच्छी खासी है, इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफी बढ़िया है और इसके अंदर आपको फीचर्स भी टॉप लेवल के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े से पैसे भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एमजी ZS EV के अंदर 44.5 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी मदद से इसकी इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 142 BHP की पावर आउटपुट और 353 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाती है। तो यहाँ पर इसकी जो पावर आउटपुट है आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी अगर आप इसकी पावर आउटपुट को नेक्सॉन के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि इसके अंदर बैटरी पैकअप थोड़ी सी बड़ी दी गई है और इसके अंदर मोटर भी डिफरेंट यूज करी गई है, उसकी मदद से एमजी ZS EV की पावर आउटपुट आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको नेक्सॉन ईवी के मोटर के साथ कंपेयर करोगे। एमजी ZS EV को अगर आप चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करोगे, किसी भी डीसी चार्जर से इसको चार्ज करोगे, तो इसकी जो बैटरी है वो 80% चार्ज हो जाएगी सिर्फ 50 मिनट में। तो यहाँ पर 10 मिनट इसको कम लगने वाला है 80% बैटरी को चार्ज करने में अगर आप इसको कंपेयर करोगे नेक्सॉन ईवी के साथ या फिर टिगोर ईवी के साथ। तो यहाँ पर 10 मिनट मतलब इतना भी मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वही अगर आप एमजी ZS EV को घर पर चार्ज करते हो तो इसकी बैटरी को चार्ज करने में आपको 16 से 18 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा इसकी जो रेंज क्लेम करती है एमजी कंपनी वो है 419 किलोमीटर तक की, यानी 419 किलोमीटर तक एमजी ZS EV चलती है एक सिंगल चार्ज में। उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन है, जैसे कि आपको उस पर्टिकुलर स्पीड से इसको चलाना पड़ेगा तब भी आप इस रेंज को हासिल कर पाओगे, नहीं तो ये जो रेंज है वो थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल जाएगी। एमजी ZS EV की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 20.99 लाख रुपीज, यानी 21 लाख रुपए से इसके बेस मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है और इसका टॉप मॉडल 24.18 लाख रुपीज तक चला जाता है। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जो कि आप 2022 में कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपका बजट ज्यादा है तो ही आप इस कार को कंसिडर करिएगा, वो है हुंडई की कोना। हालांकि इसकी जो रेंज है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, यानी जितने भी इलेक्ट्रिक कार हैं इंडिया में उनमें से हुंडई की कोना सबसे ज्यादा रेंज देती है। हुंडई कंपनी ने कोना के अंदर 39.2 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी मदद से कोना का जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो लगभग 134 bhp की पावर आउटपुट और 395 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर इसकी जो पावर है वो आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको एमजी ZS EV के साथ कंपेयर करोगे, लेकिन इसके अंदर आपको टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू एमजी ZS EV। वही हुंडई कोना को अगर आप डीसी चार्जर आउटलेट पर चार्ज करोगे तो इसकी 80% बैटरी 60 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी, वही नॉर्मली इसको चार्ज करने में 16 से 17 घंटे आपको लगने वाले हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हुंडई की कोना एक सिंगल चार्ज में 452 यानी 450 से भी ज्यादा किलोमीटर तक की रेंज देती है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रेंज देखने को मिल जाएगी हुंडई कोना के अंदर। कोना की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 23.79 लाख रुपीज बेस मॉडल की एक्शन प्राइस, वही कोना का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट आता है उसकी कीमत 23.98 लाख रुपीज आपको देने पड़ेंगे एक्शन प्राइस। तो ये पांच कारें थी, अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। अगर आपको सेडान कार ही लेनी है, आपको सेडान कार चाहिए इलेक्ट्रिक में, तो आप टाटा टिगोर ईवी को कंसिडर कर सकते हैं और ई-वेरिटो, क्योंकि उसके अंदर आपको रेंज भी ज्यादा मिलने वाली है, उसको चार्ज करने में आपको समय कम लगने वाला है और उसका टॉप स्पीड आपको लगभग 80 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो टॉप स्पीड को लिमिट किया है, लेकिन टाटा टिगोर ईवी के अंदर आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी और बाकी के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप टाटा टिगोर ईवी को कंसिडर कर सकते हैं सेडान इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में, लेकिन अगर आप एमजी ZS EV, हुंडई की कोना और नेक्सॉन ईवी के अंदर कंफ्यूज हो तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप नेक्सॉन ईवी को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 15 लाख के अंदर है, लेकिन अगर आपका बजट 20 लाख रुपए के ऊपर है तो आप एमजी ZS EV या फिर हुंडई कोना को कंसिडर कर सकते हैं। ज्यादा रेंज के लिए आपको हुंडई कोना बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, लेकिन ज्यादा फीचर्स चाहिए, थोड़े से एडवांस लेवल की फीचर्स चाहिए तो आप एमजी ZS EV के साथ जा सकते हैं, लेकिन 15 लाख के अंदर आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो आपके लिए टाटा नेक्सॉन ईवी एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, जिसके अंदर आपको सेफ्टी
में मिलेगी, फीचर्स भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं और रेंज तो आपके सामने ही है। रेंज आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे चलाते हो। अगर आप नॉर्मली इसको चलाओगे तो डेफिनेटली कोई भी इलेक्ट्रिक कार आपको डेडिकेटेड रेंज देने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा रशली चलाओगे तो उसकी जो रेंज रहेगी वो डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पर ये 5 कारें थी 2022 में आप कंसिडर कर सकते हैं। इनमें से आप कौन सी कार के साथ जाना चाहोगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।